नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से गोल अचीवर्स में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इंडियन आर्मी के रैंक्स और सिग्ना के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम होगा कि इंडियन आर्मी वर्ल्ड की फोर्थ स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी है और इसमें लगभग 12,20,000 एक्टिव फ्रंट लाइनर पर्सनल्स हैं। तो दोस्तों, और 9,90,000 रिजर्व पर्सनल्स हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा कि SSB इंटरव्यूज में अक्सर रैंक्स और सिग्ना के बारे में पूछा जाता है और ये जानना आपके लिए ज़रूरी भी है। अगर आपके दिमाग में इंडियन आर्मी के रैंक्स और इनसिग्निया को लेकर कोई कन्फ्यूज़न है तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए है। ये वीडियो देखने के बाद आशा करते हैं कि आपके दिमाग से सारी कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं कि इंडियन आर्मी की रैंक्स 3 भागों में विभाजित है और इसमें सबसे पहली रैंक है कमीशन ऑफिसर्स रैंक, और उसके बाद दूसरी रैंक आती है जिसको कहते हैं जूनियर कमीशन ऑफिसर्स, और उसके बाद नॉन कमीशन ऑफिसर और अदर रैंक्स। आइए दोस्तों, पहले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और बात करते हैं कमीशन ऑफिसर्स रैंक के बारे में। तो दोस्तों, इस रैंक में फील्ड मार्शल सबसे बड़ी रैंक होती है, जो कि एक 5-स्टार वाली रैंक होती है। तो दोस्तों, हालांकि फील्ड मार्शल रैंक को आर्मी के रेगुलर स्ट्रक्चर में प्रयोग नहीं किया गया है, फील्ड मार्शल आर्मी की सबसे हाईएस्ट रैंक होती है और आज तक सिर्फ 2 फील्ड मार्शल ही इंडियन आर्मी में रहे हैं। इस रैंक की पहचान क्रॉस बैटन पर राष्ट्रीय चिन्ह और खिलते कमल की माला के अंदर तलवार है। जनरल रैंक, फील्ड मार्शल हाईएस्ट रैंक है, पर आर्मी के रेगुलर स्ट्रक्चर में इसका प्रयोग ना करने की वजह से जनरल रैंक को ही इंडियन आर्मी की हाईएस्ट रैंक कहा गया है। फील्ड मार्शल के बाद यही रैंक सर्वोच्च होती है। इस रैंक की पहचान लाल रंग के आउटलाइन के साथ सुनहरे रंग का राष्ट्रीय चिन्ह, तलवार और एक सितारा होता है। लेफ्टिनेंट जनरल रैंक, इंडियन आर्मी की ये रैंक सेकेंड हाईएस्ट रैंक है। लेफ्टिनेंट जनरल को 36 वर्षों की कमीशन भर्ती के बाद चुना जाता है। लेफ्टिनेंट जनरल वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या आर्मी के कमांडर के पद पर भी संभाल सकता है। इस रैंक की पहचान लाल रंग के आउटलाइन के साथ सुनहरे रंग का राष्ट्रीय चिन्ह और एक तलवार होता है। इस रैंक में कोई भी स्टार नहीं होता है। मेजर जनरल रैंक, मेजर जनरल रैंक इंडिया की थर्ड हाईएस्ट रैंक है। मेजर जनरल के पद पर प्रमोशन चयन के जरिए होता है और मेजर जनरल बनने के लिए 32 साल की कमीशन सर्विस का होना ज़रूरी है। इस रैंक की पहचान लाल रंग का आउटलाइन के साथ गोल्डन रंग का एक स्टार और तलवार होता है। ब्रिगेडियर रैंक, ब्रिगेडियर रैंक इंडिया की फोर्थ हाईएस्ट रैंक है और इस पद पर भी प्रमोशन चयन के जरिए होता है, जिसके लिए 25 सालों का कमीशन सर्विस का होना ज़रूरी है। इस रैंक की पहचान सुनहरे रंग का राष्ट्रीय चिन्ह और त्रिकोण गठों में 3-स्टार होता है। कर्नल रैंक, कर्नल एक सीनियर कमीशन ऑफिसर की रैंक होती है जो आर्मी में एक रेजिमेंट का इंचार्ज होता है। कर्नल रैंक आमतौर पर हाईएस्ट और सेकंड हाईएस्ट फील्ड रैंक होती है। इसकी पहचान सुनहरे रंग का राष्ट्रीय चिन्ह और उसी के साथ 2 स्टार होते हैं। लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक, ये रैंक किसी भी कमीशन ऑफिसर के लिए सीनियर बनने की पहली सीढ़ी होती है। इसमें 13 साल की कमीशन ड्यूटी के बाद ये रैंक मिलती है। इस रैंक की पहचान सुनहरे रंग का राष्ट्रीय चिन्ह और 1 स्टार होता है। मेजर रैंक, मेजर इंडियन आर्मी की हाईएस्ट रैंक होती है और इंडियन आर्मी में किसी भी ऑफिसर के लिए ये एक रैंक होती है जो 6 वर्षों के सर्विस के बाद ऑफिसर को मिलती है। इस रैंक की पहचान सुनहरे रंग का राष्ट्रीय चिन्ह होता है। कैप्टन रैंक, कैप्टन रैंक इंडियन आर्मी में कमीशन होने के बाद किसी भी ऑफिसर के लिए
आगे बढ़ने का दूसरा पड़ाव होता है। कैप्टन रैंक जो कि कमीशन होने के 2 वर्षों के बाद समय सीमा के आधार पर दी जाती है। इस रैंक की पहचान सुनहरे रंग के 3 स्टार होते हैं। लेफ्टिनेंट रैंक, लेफ्टिनेंट कमीशन होने के दौरान मिलने वाली सबसे पहली रैंक होती है और ये फर्स्ट ऑफिसर रैंक होती है। इस रैंक की पहचान सुनहरे रंग के 2 सितारे होते हैं। तो ये थी सारी जानकारी कमीशन ऑफिसर रैंक्स के बारे में। आइए आगे बढ़ते हैं जूनियर कमीशन रैंक्स के बारे में। तो दोस्तों, जूनियर कमीशन रैंक में सबसे पहले आता है सूबेदार मेजर। सूबेदार मेजर जूनियर कमीशन रैंक में सबसे हायर रैंक होती है और इसे आप JCO रैंक का लास्ट स्टेप भी कह सकते हैं, क्योंकि 34 वर्ष के बाद सूबेदार मेजर रिटायर हो जाता है। इस रैंक की पहचान सुनहरे रंग के राष्ट्रीय चिन्ह के साथ लाल और पीले रंग के पट्टी होते हैं। सूबेदार रैंक, सूबेदार भी एक जूनियर कमीशन ऑफिसर होता है और हर बटालियन में कई सूबेदार होते हैं। 30 वर्षों के बाद इसमें रिटायरमेंट होती है। इस रैंक की पहचान सुनहरे रंग के 2 स्टार के साथ लाल और पीले रंग की पट्टी होती है। नायब सूबेदार, ये रैंक जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक का पहला स्टेप होता है। इस रैंक की पहचान सुनहरे स्टार के साथ लाल और पीले कलर की एक पट्टी होती है। तो ये थी जूनियर कमीशन ऑफिसर रैंक के बारे में सारी जानकारी। अब बात करते हैं नॉन कमीशन रैंक के बारे में। इसमें हवलदार, नायक और लेस नायक आते हैं। हवलदार रैंक की पहचान लाल और पीले कलर की 3 पट्टी होती है और नायक रैंक की पहचान लाल और पीले कलर की 2 पट्टी होती है और लेस नायक की पहचान लाल और पीले कलर की 1 पट्टी होती है। सिपाही और जवान के लिए कोई स्पेशल इंसिग्निया नहीं होता है। सिपाही का बैज प्लेन होता है और इसमें कोई पट्टी नहीं होती है। तो दोस्तों, ये थी इंडियन आर्मी की रैंक और इंसिग्निया। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो उसको लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें और आशा करता हूँ कि आपकी सारी कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। अगर अब भी आपकी कन्फ्यूज़न कोई दूर नहीं हुई है तो आप कमेंट्स में ज़रूर से हमसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।